आई थिंक टीम एक्स दोनों रिसेट होता हुआ आपको नजर आ जाएगा। मैं एक बार सेवन सीज को देखना चाहूंगा, उनके बाकी प्लेयर्स हैं कहां, चारों प्लेयर यहां पे आ चुके हैं। सारंग पीछे से कवर करने की कोशिश, इमोर्टल को मेरे ख्याल से नॉक कर सकते हैं, डैमेज दिया, नॉक नहीं कर पाए, बट इट वॉज अ क्रूशियल डैमेज दैट ही हैज गिवन देयर। एंड इसी के साथ टीम एक्स बहुत ज्यादा बैकफुट पर जाती हुई, उनके जितने भी प्लेयर्स वहां पे नीचे थे वो नॉक हो चुके हैं। इमोर्टल वहां पे आते हुए उनको नॉक देंगे एंड सीधा नॉक के साथ फिनिश करने की तरफ, बट एडीएस ओपन हो जाएगा उनका गलती से। आई डोंट नो कि वो जानबूझ के एडीएस ओपन किया या फिर गलती से हुआ, बट वहां पे वो गलती साबित हुई। सेंसे लास्ट मैन स्टैंडिंग, लास्ट वॉरियर स्टैंडिंग। हीलिंग की सप्लाईज है तो उनको तो थोड़ा सा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपने टीममेट्स की तरफ कि अगर वो नॉक होते हैं तो उनके लिए यूटिलिटीज वो जुटा सकें, बट अभी के लिए हाइड्रा के आयुष को यहां पे खत्म कर दिया जाता है, ऋषभ भी खत्म हो चुके हैं। इट्स अ 2v4 सिचुएशन, टीम हाइड्रा स्ट्रेट अवे ऑन द बैकफुट। सोल की टीम अब आपको रश करते नजर आ जाएगी एंड सोल में कुछ ऐसे प्लेयर्स है ना जो नीड करने में महारत हासिल है, जैसे कि मावी यहां पे आपको नजर आ जाएंगे, रेगल्टोस एक शानदार अटैकर आपको दिख रहे हैं, बट उनको नॉक कर दिया जाता है। हाइड्रा के प्लेयर भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज्यादा डैमेज खा चुके हैं, इसलिए पहले वो अपने आप को हील करेंगे, उसके बाद अगर वो रश करते हैं उनके लिए बेटर रहेगा। बट न्यूक्लिया मेरे ख्याल से आगे आ चुके हैं, रिवाइव का डिसीजन रोक दिया गया, मावी बिल्कुल तैयार है। न्यूक्लिया अगर अटैक करेंगे तो मावी उनको टेक कर सकते हैं, बट बैकअप आता हुआ यहां पे काफी शानदार, और ये बैकअप स्काउट का बहुत फायदा देगा। हाइड्रा ऑन द बैक, बट मावी इज देयर एंड हियर यू गो टीम सोल, चार फिनिशेस के साथ पहला अपनी फाइट जीत के जाती हुई। होती हैं जो सर्कल को यू नो बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं करती, सर्कल उनको रिस्पेक्ट करता है, एंड आईएनडी उन टीमों में से एक है। स्लेयर यहाँ पे बचे हुए हैं, स्नैक्स यहाँ पे बचे हैं, एक अच्छा नेड आता हुआ स्लेयर को थोड़ा सा डैमेज जरूर देगा। सेवन सीज जिनको अभी जिन्होंने एक्सो को खत्म करा है उनको ये थर्ड पार्टी थोड़ा सा भारी पड़ सकती है। स्लेयर इज देयर, एचपी उनकी ज्यादा है, बेनिफिट उनके पास है, बट ये जो जंप शॉट्स आ रहे हैं दैट इज जस्ट अमेजिंग। बट अलादीन को एक्सो के सेंसे नॉक कर देते हैं, वो भी आई थिंक ये रिवेंज के मूड में है। यहाँ पे कवर देखिए, शॉट देखिए, स्प्रे देखिए, स्नैक्स एक शानदार स्प्रे के साथ यहाँ पे सारंग को नॉक करते हैं एंड सेवन सीज अब बैकफुट पे है। दो प्लेयर गवाने के बाद टीम आईएनडी और अब सेवन सीज को खत्म करने के लगभग करीब पहुंच चुकी है। इसका मतलब फिलहाल यहाँ पे सेवन सीज की बात करें तो संभल चुके हैं, दो प्लेयर्स उनके वन सेकंड ऑन फीड आ चुके हैं। स्नैक्स में यहाँ पे 1v2 करना पड़ेगा, सामने जा रहे बिल्कुल कॉर्नर साइड में, अपने अपने हेल्थ को रिकवर करने का टाइम चाहिए, स्पॉट करेंगे, स्प्रे करेंगे, नॉक किया गया प्रिंस को, 1v1 सिचुएशन और बिल्कुल से 1v2 करते के साथ थर्ड पार्टी सेंसे के तरफ से आ जाती है ग्रेनेड के रूप में एंड एक सेकंड पे दो कॉर्नर होल्ड करते तो शायद सर्वाइव कर भी जाते, बट अभी अगर यहाँ पे बात की जाए काफी सारी फाइट्स एंगेज हो चुके हैं। एसजी के सामने बिल्कुल माफी ओपन में थे, नॉक करा जाएगा, फिनिश करा जाएगा एंड टीम सोल को एक बड़ा झटका यहां पे लगता हुआ। रेगल्टोस के सामने यहां पे एसजी की टीम आपको नजर आ जाएगी, वो भी यहां पे जोन के अंदर जाने की कोशिश। राजू डॉन यहां पे एसजी के पुकार को नॉक करते हुए, एलिमेंट के मैडमैन रिवेंज के अक्षय को नॉक कर देंगे एंड राजू डॉन जो कि स्काउट है एक और प्लेयर को फिनिश करते नजर आ जाएंगे। रेगल्टोस आगे जाते हुए स्पॉट उन्होंने यहां पे कर लिया है, इसी के साथ सोल रेगल्टोस खत्म करेंगे टीम एसजी को लास्ट फिनिश निकाल के। बट अभी के लिए कमीला रेगल्टोस वंस अगेन टेक डाउन करते यहां पे मानो को, लेकिन यहां पे काउंटर मिलता है एंड फाइनल रोल अदा किया गया वंस अगेन स्काउट का यहां पे सपोर्ट मिला, जिसके कारण रेगल्टोस को रिवाइवल मिलने के चांसेस रहेंगे। 48 सेकंड है इनके पास, 10 सेकंड रिवाइवल के लिए जाती है, तो कह रही कि स्काउट जा सकते हैं रिवाइवल के लिए, लेकिन फ्रंट साइड जाने का फैसला यहां पे किया जा रहा है। फाइट की तरफ यहां पे बात करें ध्यान देंगे एंड एलिमेंट के स्वाइप को टेक डाउन करने के बाद अब जाके रेगल्टोस को फिलहाल यहां पे रिवाइव दिया जाएगा के एक्शन में उनको मैच से बाहर किया गया, लेकिन इसी के साथ स्पॉट कर लेंगे यहां पे स्काउट, उनकी पोजीशन यहां पे रिवील हो चुकी है। ग्रेनेड्स का सिलसिला यहां पे दोनों साइड से देखने को मिलेगा, स्काउट की तरफ भी ग्रेनेड आ रहे हैं, डैमेज यहां पे मिलेगा राइट से थर्ड पार्टी होंगे जो कि नाम रहेगा आरएनटी के पैराडॉक्स ने यहां पे स्पॉट कर लिया स्काउट को। फाइनली ये सफर आज का समाप्त होगा टीम सोल के लिए, क्योंकि रेगल्टोस भी साथ ही साथ मैच से बाहर कर दिए जाते हैं एंड जो विजेता रहेंगे टीम रिवेंज जो कि लग रहा था मैन एडवांटेज क्लोज इन यहां पे किया जा चुका है टीम हाइड्रा की तरफ से। आयुष सपोर्ट का रोल अदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे मेरे ख्याल से सोल रेगल्टोस को नॉक करके फिनिश भी कर दिया गया, मावी भी वहां पे नॉक पड़े हैं, तो ये जो दूर से स्प्रे का सिलसिला शुरू करा गया है टीम हाइड्रा की तरफ से दैट इज फैंटास्टिक। टीम सोल यहाँ पे वाइप आउट होती हुई आपको नजर आएगी टीम हाइड्रा के हाथों, तो दो प्लेयर को नॉक कर जाते हैं, वो लोअर ग्राउंड पे थे, अपोनेंट अपर ग्राउंड पे थे, बट डजंट इवन मैटर व्हेन पंक इज देयर ही इज गोइंग टू नॉक यू डाउन। बिल्कुल यहाँ पे इसीलिए इनको थोड़ा सा आप सीरियसली लो, क्योंकि अगर आप इनको थोड़ा सा मौका देंगे तो मुश्किल में आ सकते हैं। एचपी यहाँ पे जरूर से रिकवर किया गया, लेकिन फाइनली इनको रोका जा चुका है, सेंसी को मैच से बाहर कर देंगे, पंक यहाँ पे टेक डाउन कर देंगे, काम जो बोल सकते जो बचा है वो यहाँ पे इनके कंधों पे आ चुका है। मॉडल की बात करें स्प्रे कर जाएंगे तो पूरा सिचुएशन यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, बैकअप के साथ जाना पड़ेगा, स्प्रे करेंगे एंड फाइनली टीम एलिमेंट का यहाँ पे सफर समाप्त कर दिया गया। 15th पोजीशन पे लग रहा था जो मुश्किल होगा उसको संभाला गया एंड यहाँ पे सोल वाइपर को टेक डाउन कर दिया जाएगा। कुछ समय पहले सोल के मेंबर ने ही यहाँ पे सेंसी को मैच से बाहर किया था, तो उसके लिए आ चुके यहाँ पे रिवेंज टेक के लिए आ चुके वाइपर को फिलहाल यहाँ पे टेक डाउन करेंगे। मवी कवर फायर देने की पूरी कोशिश करेंगे, कंप्लीट ओपन हो चुके रेड डॉट के साथ यहाँ पे बोल सकते हैं वहां पे एज का सहारा लिया गया एंड फाइनली मवी को भी टेक डाउन कर दिया जाएगा।
बिल्कुल अगर बात करें तो यहाँ पे स्काउट रहेंगे जो एक लास्ट यहाँ पे होप रहेंगे क्योंकि ग्राउंड लेवल चैलेंजेस इनके पास ही रहेंगे, लेकिन जो आज फॉर्म में यहाँ पे स्काउट बैक टू बैक से यहाँ पे नॉक निकाले फ्रंट साइड से आएंगे मेंबर्स इनको यहाँ पे टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। निकबा के सीजी को भी टेक डाउन कर दिया गया। अभी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, क्या सोल यहाँ पे स्काउट यहाँ पे क्लच करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे क्लच करते हैं, 1v3 कर दिया गया। निकबा को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जिस बात का यहाँ पे जिक्र पहले मैच से कर रहे थे, सोल स्काउट आज एक अलग फॉर्म में है एंड वो फॉर्म देखने को मिल रहा है एंड सोल की टीम को बचा लिया जाएगा। मवी को रिवाइव देंगे, वाइपर को रिवाइव देंगे एंड कंप्लीट। जो बात की जाए डैमेज मिला इनके व्हीकल को, लेकिन इतना नहीं कि ब्लास्ट आप कर सको। स्नैक्स की बात करें अब मुश्किल बनने वाली क्योंकि टपाटप की पूरी स्क्वाड इनके सामने आ चुके हैं एंड स्नैक्स की हालत कुछ अच्छी फिलहाल नहीं। देखिए स्नैक्स की हालत खराब जरूर है और उनको खत्म भी यहाँ पे कर दिया जाता है। इधर लैंड मैजिकल नेट जो यहाँ पे दो प्लेयर को नॉक करते हैं, उसके बाद आप गन गेम का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे रश करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एक प्लेयर को नॉक करेंगे बट दूसरा प्लेयर जरूर फिनिश कर सकता है। एक्चुअली दोनों प्लेयर साथ में आए और दोनों प्लेयर ने मिलकर फिनिश किया यहाँ पे ब्लाइंड के प्लेयर्स को। काफी अच्छा एफर्ट था उनकी तरफ से। इधर अगर बात की जाए टीम टपाटप की, उनकी भी फाइट एंगेज हो चुकी है, एक प्लेयर को नॉक जरूर किया था जोनाथन ऑलरेडी यहाँ पे मेरे ख्याल से अपनी रोटेशन शुरू कर चुके हैं। सामने प्लेयर है रौनक और उनको खत्म कर भी दिया जाएगा। तो जोनाथन यार इन्होंने नॉक किया तो ये फिनिश तो छोड़ेंगे नहीं, जाएंगे जरूर और फिनिश भी करेंगे। और यहाँ पे लगभग जो एसजी की टीम है वो मेरे ख्याल से घर का सहारा लेना चाहती है बचने के लिए। बिल्कुल यहाँ पे ग्रेनेड की बात करें तो बैक टू बैक से यहाँ पे ग्रेनेड्स का पिन आउट किया जा रहा है, ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे नॉकआउट किया जा सके, लेकिन कुछ नॉक से यहाँ पे निकलना फाइनल यहाँ पे मिल चुका है। जोनाथन को आप ग्रेनेड से इस तरीके से मौका नहीं दे सकते। पुकार को फिलहाल वहाँ पे टेकडाउन किया गया है। देखते ही देखिए यहाँ पे सोमराज दे जिकॉट को डाउन करेंगे, फिनिश अप भी कर दिया जाएगा गमला बॉय की तरफ से, तो एक नुकसान फिलहाल इधर भी ट्रांसफर कर दिया। लेकिन कनेक्शन बात करें हेड चेजिंग की यहाँ पे बारी आ चुकी है, स्मॉल प्लेयर को भी यहाँ पे टेकडाउन कर दिया जाएगा। जोनाथन को यहाँ से पूरी पारी संभालनी पड़ेगी न्यू के साथ वरना मुश्किल में अपने आप को पाएंगे। फिलहाल बात की जाए तो न्यू ने एक अच्छा शिफ्ट दिया, नॉक यहाँ पे जरूर से कर चुके हैं, साथ ही साथ स्मॉल प्लेयर को रिवाइव भी दे रहे हैं। लेकिन एसजी इतना टाइम मेरे हिसाब से देना इनके लिए गलत साबित हो रहेगा। फिलहाल यहाँ पे जंप लेके ये एक डिसीजन रहेगा, लेकिन जंप जो बात करें उतना कारगर साबित नहीं क्योंकि आप अपने राइट को नहीं देखे एंड ये आपके लिए गलत फैसला है। पुकार की बात करें लास्ट पुकार लगाना पड़ेगा स्प्रे की तरफ, यहाँ पे जाने जोनाथन की एंट्री आ रही है, रिलोडिंग यहाँ पे वेट करेंगे एंड न्यू को भी डाउन किया, जोनाथन को भी डाउन कर सकते थे लेकिन फाइनली यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाएगा एसजी के पुकार को भी। छोटी मोटी मूव्स आपको कई बार आगे भी लेके जाता है, बट टीम बात करें यहाँ पे के मेंबर यहाँ पे फाइट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। टीम टपाटप के स्मॉल प्लेयर को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया जाएगा, जो कि मौका यहाँ पे बोल सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे निकाला जा चुका है क्योंकि ऑलरेडी न्यू को टेक डाउन किया गया। जोनाथन फुल को ग्रेनेड यहाँ पे सामने थ्रो करते, क्या ओपनिंग निकाल सकते हैं मॉली यहाँ पे साथ ही साथ थ्रो कर दिया जाएगा, तो टीम टपाटप थोड़ा सा यहाँ पे जरूर पुश करना चाहेंगे। बिल्कुल मैं आपको बता ही रहा था कि जोनाथन बस बेताब हैं, वहां पे वेट कर रहे हैं किसी प्लेयर का कोई तो उनके ऊपर रश करे और वही यहाँ पे हुआ। बट अभी के लिए यहाँ पे स्मॉल प्लेयर को भी नॉक करके फिनिश कर दिया गया। जोनाथन मेरे ख्याल से बाकी प्लेयर हैं, उनको मैं देखना चाहूंगा क्या बच पाते हैं। जी नहीं, जोनाथन को भी खत्म किया जाएगा। टीम रिवेंज यहाँ पे एक शानदार कंपाउंड जो टीम टपाटप के हाथ में था उसको लेते हुए नजर आई यहाँ पे। डैमेज थोड़ा सा एंड स्पॉट करेंगे, लेकिन जिस बात करना था डैमेज था इतना कि कुछ लिमिटेड बुलेट के साथ टेक डाउन कर दिया गया। अब टीम एफ के रुकेंगे नहीं क्योंकि सर्कल के बाहर है, उनको मौका मिल चुका है, सीधा आगे आएंगे। 1v3 करना इस पॉइंट से थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट ट्राई किया जा रहा है, स्प्रे की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। पर टीम एफ की बात करें तो पूरा पूरा चांस नहीं दिया जाएगा कि आप संभाल भी पाओ। रिवाइव तो दूर की बात है, जैसे लोग जंप कर रहे स्प्रे कर रहे मौका यहाँ पे बस चाह रहे कि एक आध बुलेट का कनेक्शन वहां पे बन जाए, टू डिफरेंट एंगल्स आएंगे एंड फाइनली ये डिसाइडर एंगल रहेगा विनर विनर चिकन डिनर आज के तीसरे मैच का। टीम ओपनिंग करने की तो यहाँ पे साइरस गेमिंग है, उनके पास एक है, हम आपको नजर आ जाएगी लेवल टू का हेलमेट, लेवल टू के बाद सामने प्लेयर्स आई थिंक जरूर है यहाँ पे। बट यू नो जितना मैं इनको जानता हूँ एक साथ जाएंगे रश करने की कोशिश करेंगे। हेरी को एक शानदार यहाँ पे नॉक निकाला और मेरे ख्याल से जो घर है अब इनके कंट्रोल में होता हुआ नजर आएगा। बट क्या कंपाउंड को इनके कंट्रोल में पा पाएंगे, उसके लिए उनको पैराडॉक्स को भी यहाँ पे टेक डाउन करना पड़ेगा और उनको ढूंढने की तलाश यहाँ पे शुरू हो चुकी है। बिल्कुल यहाँ पे मुश्किल में डाल चुके कोऑर्डिनेशन। देखिए अब दो प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट हो गए, दो प्लेयर्स यहाँ पे फुल राइट हो गए, एक तीसरे को कवर फायर दे रहे हैं, मानो एक बोल सकते हैं ना चिपक के रहना वो यहाँ पे, ये दोनों मेंबर्स एक दूसरे के साथ जा रहे, कोऑर्डिनेशन कमाल करेगा एंड अब जाके एक फाइनल कॉल होगा। सामने से प्री फायर, पीछे से यहाँ पे एंट्री एंड सफर समाप्त किया गया यहाँ पे। टीम कैचर को बैट से बाहर करते हैं, विलियम की तरफ से ऑन पॉइंट स्प्रे देखने को मिला एंड अब क्लूज की तरफ तब्दील कर दी जा चुकी है जो मिड का एक्शन देखने को मिल रहा था फिलहाल कुछ समय पहले। बिल्कुल अभी के लिए तीन फिनिशर्स यहाँ पे जो ब्लाइंड निकाल चुकी है, मैं देखना चाहूंगा हाइड्रो के कैसे अटैक करता है। खबर देखिए वह बेहद ही बेहतरीन, जो जंप भी किया वो वहाँ पे किया जहाँ पे उनको कवर मिल रहा था, M249 का सारा जरूर था और वहाँ पे किल भी निकाला। दैट इज जस्ट अमेजिंग कमिंग इन फ्रॉम टीम ब्लाइंड। हाइड्रो के दैट को भी खत्म करा, हाइड्रो के रेस्ट ऑफ भी नॉक पड़े हैं। टीम हाइड्रो सर्टनली ऑन द बैक फुट एंड आई वुड लव टू सी इफ दे कैन सर्वाइव समहाउ बिकॉज न्यूक्लिया अब आखिरी प्लेयर बचे हैं और न्यूक्लिया हाई द ग्राउंड जरूर है, बट जब इतने सारे प्लेयर्स आपके ऊपर रश कर रहे हैं जीतना बहुत मुश्किल आपके लिए।
यहाँ पे मुश्किल, लेकिन लास्ट यहाँ पे साइको, यहाँ पे बारी आएगी कौन फिनिश पॉइंट लेके जाएगा। लेकिन विलियम यहाँ पे हेल्थ अप्लाई करने में काफी लेट कर बैठे, नॉक हो जाएंगे बिल्कुल, यहाँ पे नॉक होना ही था क्योंकि जो ये प्रयास था थोड़ा लेट हुआ। एंड मैच से बाहर, मैं बोल सकता हूँ टीम ब्लाइंड इस मैच को अपने साथ लेके जाने की पूरी पूरी यहाँ पे कोशिश कर सकते थे, लेकिन फाइनली इस मैच के विजेता वंस अगेन यहाँ पे दोहराते हुए कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखा।